नमस्कार, आज 10 सितंबर, वार है मंगलवार। 50 खबरों के साथ हम आपके साथ हैं। आज मणिपुर राजभवन पर पथराव, 20 घायल हो गए, सुरक्षाकर्मी जान बचाकर भागे, ड्रोन हमलों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर स्टूडेंट्स। भारत में मंकीपॉक्स का पहला केस मिला, लेकिन ये वह स्ट्रेन नहीं है जिस पर दुनिया में अलर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की थी। हरियाणा में आप कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, सीट शेयरिंग पर सहमति न होने से बातचीत टूटी, आपने 20 उम्मीदवारों के लिए जारी। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ड्यूटी पर तुरंत लौटे डॉक्टर, कल शाम 5 बजे तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो राज्य सरकार करेगी कार्रवाई। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, जमकर हुई हिंसा, सुबह आरोपियों के अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर, अभी तक 33 गिरफ्तार हो चुके हैं। अमेरिका में राहुल गांधी बोले सब कुछ मेड इन चाइना है इंडिया में, इसलिए भारत में रोजगार की दिक्कत। पित्रोदा ने कहा राहुल के पास विजन, वो पप्पू नहीं है। कलिंदी एक्सप्रेस पलटाने की साजिश, एनआईए एटीएस वहां पर पहुंची, ट्रैक पर सिलेंडर से टकराई ट्रेन, पेट्रोल बारूद मिला, 6 संदिग्ध हिरासत में, जमातियों की जांच। यूपी में यादव से ज्यादा ब्राह्मण ठाकुरों का एनकाउंटर, 7.5 साल में 207 आरोपी ढेर, इसमें 67 मुस्लिम मुठभेड़ों का हिसाब था। ममता बोली विक्टिम के पेरेंट्स को पैसे ऑफर नहीं किए, कहा था बेटी की याद में अगर कुछ करना हो तो वह सरकार आपके साथ है। एमपी राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, छत्तीसगढ़ और यूपी में 9-9 लोगों की जान बचाई गई। चंदन प्रभाकर ने ठुकराया बिग बॉस 18 का ऑफर, कहा ये शो मेरे लिए नहीं है, कपिल शर्मा शो में चंदू चायवाला बनकर मशहूर हुए थे। बहन अर्पिता के गणपति विसर्जन में दर्द भूलकर नाचे सलमान, रिब इंजरी से जूझ रहे हैं एक्टर, वायरल वीडियोज में डांस करता दिखा पूरा परिवार। अबूधाबी के क्राउन प्रिंस अल नहयान 2 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे, अब्देल मदीज तैबोनो दोबारा अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। राव वीरेंद्र को मनाने हवाई चप्पल से पहुंची इंदिरा, चुनौती देकर 13 दिनों में कांग्रेस सरकार गिराई, अब 2 दल में बटा परिवार। 131 साल पुराना मुंबई पुणे के गणेश पूजा पंडालों का इतिहास, आज 1,00,000 करोड़ यहां पर का कारोबार होता है हर साल। आईआईटी पास मुकेश बंसल ने शुरू किया मिंत्रा, कॉलेज एलुमिनाई लिस्ट से ढूंढे को फाउंडर, आज रेवेन्यू 4,375 करोड़। रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के लिए क्रिप्टो फंडिंग, एनआईए बोली राम मंदिर निर्माण प्रतिष्ठा के दिन भाजपा दफ्तर पर अटैक, फैल हुआ तो कैफे टारगेट। विनेश फोगाट के फैसले से ताऊ महावीर नाराज, बोले राजनीति 2028 के बाद कर लेती, जल्दबाजी की, ब्रजभूषण बोले उसे सीएम फेस घोषित करे कांग्रेस। एलओसी पर घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादी मारे गए, नौशेरा सेक्टर में देर रात एनकाउंटर, 2 AK-47 पिस्टल और गोला बारूद बरामद। इसराइल को हथियार देने पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला विदेश नीति में दखल नहीं देंगे, आरोप गाजा में बरसाए गए भारत के बम। यूक्रेन का रूस पर आग उगलने वाले ड्रोन से हमला, लावा से रूस के जंगलों में आग लगी, यूक्रेनी सेना ने शेयर किया वीडियो। सैंक्शन 375 अंक चढ़कर 81,559 रुपये पर बंद हुआ, निफ्टी में भी 84 अंक की तेजी रही, एफएमसीजी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा बढ़ा। चांदी 2,456 रुपये गिरकर 80,882 प्रति किलो पर आई, सोने में भी 739 रुपये की गिरावट है, ये 71,192 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है।